बहुत प्रयास कर रही है। इस बार बजट में भी बहुत बड़ा बड़ा फंड भी दिया गया है, 5,000 करोड़ से ज्यादा अगर हम लोग इस बार हमने टूरिज्म को दिया है कि इसमें चाहे कुछ भी हो राजस्थान को नंबर वन में लाने का प्रयास करेगी ये राजस्थान की सरकार। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रयास करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि राजस्थान को, भारत को कैसे हम हर प्रकार से टूरिज्म के लिहाज से कैसे और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने दिया भी है राजस्थान को। इसी कड़ी में राजस्थान की ये सरकार भी हर संभव प्रयास करेगी कि कैसे हम पर्यटन को बढ़ावा दें, कैसे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए, टूरिस्ट बाहर से भी आए, हमारे देश से भी आए, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश के भी ऐसे लोग हैं जो हमारे भारतीय हैं, लेकिन उन्होंने भारत के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां वो नहीं गए, तो उनके बारे में जानकारी उस स्थान के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम कैसे प्रचार कर सकते हैं, उस जगह के बारे में कैसे और हम सब जगह चाहे पूरे विश्व में उसके बारे में प्रचार करें, मार्केटिंग करें, प्रमोशन करें, इसके लिए भी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। 9 तारीख से लेकर आज 15 तारीख तक हर रोज भव्य आयोजन हुए, भरपूर सभी ने आनंद उठाया, आप सब ने यहाँ पधार के मेले की शोभा बढ़ाई। मैं हमारे टूरिज्म विभाग का भी धन्यवाद देती हूँ और ये भी कहना चाहूंगी कि 2019 के बाद इस बार जो यहाँ पर सबका सबने जो पार्टिसिपेशन रहा है, मुझे लगता है इस बार हमारे कम से कम 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भी यहाँ पर पधारे हैं, यहाँ पर आए हैं, दर्शन किया है, स्नान किया है। वह देशी व विदेशी पर्यटक इस मेले में, मैं अभी कलेक्टर साहब ने कहा 6 लाख से ज्यादा देशी व विदेशी पर्यटक आए, ये बहुत बड़ा एक इतिहास रचा है। 2019 के बाद इस बार पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सब लोग पधारे हैं।